तो जैसा कि आप जानते हैं, काफी गर्मियां चल रही है और इन गर्मी के दिनों में हमें कुछ ठंडा पीने का मन करता है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो मस्तानी। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा मैंगो लिया है। एक बात का ध्यान रहे कि जो मैंगो है वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अगर मैंगो ठंडा नहीं है तो आप इसे 2 घंटे के लिए बर्फ के पानी में भिगोकर रख दें और फिर इसे मैंगो मस्तानी बनाइए। तो यहाँ पर हमने मैंगो के छिलके जो हैं वो निकाल लिए हैं और इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे कुछ बड़े पीस में कट करेंगे और कुछ छोटे पीस में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, हमने बड़े पीस निकाल लिए हैं और कुछ छोटे पीस निकाल लिए हैं। तो बड़े पीसेस को हम डालते हैं ग्राइंडर में और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, 1 कप मिल्क। ध्यान रहे दूध ठंडा होना चाहिए। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। जब इसकी स्मूथ प्यूरी बन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे पंजाबी आइसक्रीम। वैसे तो इसमें वेनिला आइसक्रीम डलती है, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी आइसक्रीम ऐड कर सकते हो। तो कुछ नया ट्राई करने के लिए हमने इसमें पंजाबी आइसक्रीम डाल दी है और थोड़ी सी हमने इसमें बर्फ डाल दी है ताकि ये चिल्ड बन जाए। जिस ग्लास में आप इसे सर्व करना चाहते हैं उसमें ये मैंगो मस्तानी डालिए और इसके ऊपर बची हुई आइसक्रीम भी लगा दें। इससे क्या होगा, आइसक्रीम का भी टेस्ट आएगा और साथ में मैंगो शेक का भी टेस्ट आएगा। तो है ना सबसे डिफरेंट रेसिपी। आप यहाँ पर कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम लगा सकते हैं, चाहे वो मैंगो की हो या फिर वो वेनिला फ्लेवर की हो। और जो छोटे पीस थे मैंगो के वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जिससे कि ये और भी टेस्टी बन जाए। और सबसे आखिरी में हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी कलरफुल, तो ये और भी सुंदर दिखेगी। ये देखिए, मैंगो मस्तानी बनकर तैयार है। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।